श्रावण के पहले सोमवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दरबार में दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान मंदिर के बाहर भक्तों में भगदड़ मच गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने उम्मीद से ज्यादा लोगों के मौके पर पहुंचने को इस भगदड़ का कारण बताया है, लेकिन विपक्ष इसमें सीएम शिवराज को दोषी करार दे रहा है। इस घटना में एनएसयूआई ने सीएम शिवराज पर महाकाल की सवारी की व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए टावर चौराहे पर पहले मुख्यमंत्री शिवराज का फोटो फूका, जिसके बाद नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। आज हमने महाकाल मंदिर में जो अव्यवस्थाएं हो रही है उसको लेके ज्ञापन दिया है और शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया है, जो कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, जबकि वो प्रजा का ध्यान खुद नहीं रख पा रहे हैं और प्रशासन भी कुछ भी नहीं कर पा रहा है। अभी इससे पूर्व में जब महाकाल की सवारी में शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, हर वक्त आते हैं वो तो महाकाल की सवारी में, पर पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ने के लिए आते हैं वो, ना कि सुधारने के लिए आते हैं। पूरा प्रशासन उनकी व्यवस्था में लगा रहता है, वो अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं, अंदर में गर्भगृह में उनकी वाइफ जो है वो अंदर दर्शन करती है गर्भगृह में जाके बिगैर अनुमति की, जबकि अनुमति किसी को भी नहीं अंदर जाने की, वो अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन आरती और बाहर दर्शन आरतियों जो दर्शन करने आ रहे हैं उनके साथ में पुलिस प्रशासन धक्का मुक्की करता है, मारता है, मंदिर प्रशासन के लोगों उनको उनके द्वारा मारा जाता है, गलत बोला जाता है, और मंदिर प्रशासन के लोगों और बीजेपी के जो लोग हैं युवा मोर्चा के, ये पीछे से अंदर जाते हैं, चाहे जब चले जाते हैं, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल व्यवस्था नहीं है, मंदिर की समस्याओं को लेकर सुधार नहीं हुआ। तो मैं खुद, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे सब कार्यकर्ता सब हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे और मंदिर में सुधारने की व्यवस्था को लेके मांग रखेंगे। मामले में एनएसयूआई ने कहा है कि बाबा महाकाल की सवारी के दौरान व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर वह उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल तहसीलदार ने ज्ञापन लेकर मामले में उज्जैन कलेक्टर से चर्चा करने की बात कही है। हाँ, एनएसयूआई के द्वारा ज्ञापन दिया गया टावर चौराहे पर, जिसमें कुछ मंदिर को लेकर अव्यवस्थाओं के संबंध में है, इस पर विचार किया जाएगा। वीडियो वगैरह भी दिखाया? हाँ, वीडियो दिखाया उनने, पर वो कितना सत्य था जांच का विषय है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत करूंगा, जो भी होगा उसको सुधार किया जाएगा। गौरतलब है कि घटना को हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, जिसके बाद एनएसयूआई मामले में जागता हुआ नजर आ रहा है। जबकि पहले सोमवार के बाद दूसरे सोमवार पर प्रशासन ने बाबा महाकाल की सवारी को सुचारू रूप से संचालित करवाया था, जिसके कारण एनएसयूआई का आक्रोश समय के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। उज्जैन से मृदुभाषी के लिए अमृत पैंडवाल की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।